एक बार प्यार से बोलिए, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सर्वप्रथम मंच पर उपस्थित हमारी परम आदरणीय परम तपस्विनी रानी दीदी जी, जो हम सब की इस बार महा शिवरात्रि के अवसर पर और साथ साथ एक प्रोजेक्ट जिसको हम क्रियान्वित करने जा रहे हैं, भारत का उत्थान आध्यात्मिक शक्ति द्वारा, इन दोनों कार्यों के संगम पर दीदी जी ने ये निमंत्रण स्वीकार किया। भले उनकी काफी व्यस्तता थी, दीदी जी को माउंट आबू भी जाना है। इस बार महा शिवरात्रि के अवसर पर जहां दीदी जी बिहार और झारखंड की प्रभारी हैं, तो विभिन्न जिलों में आप जाया करती हैं, लेकिन आपने कहीं का निमंत्रण स्वीकार नहीं किया। और जब मैंने आपको रिक्वेस्ट किया कि भला आप दीदी कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन आपको बेगूसराय आना है, तो दीदी ने कहा कि मैं ज़रूर बेगूसराय आऊँगी। तो मैं इसके लिए दीदी की बहुत बहुत आभारी हूँ। साथ ही साथ मंच पर उपस्थित हमारे मुंगेर प्रमंडल के आयुक्त महोदय, मैंने जैसे ही अपनी बहन जयमाला बहन को कहा कि आप उन्हें निमंत्रण दीजिए, तुरंत उन्होंने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और आज यहाँ हमारे बीच उपस्थित है। मैं उनका भी स्वागत करती हूँ। डीआईजी सर हमारे बीच से प्रस्थान कर चुके हैं और जितने भी अतिथिगण हमारे बीच उपस्थित हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और सबसे ज़्यादा तो स्वागत आपका है, जो आप अपना बहुमूल्य समय निकाल कर कड़क की धूप में 1 बजे से यहाँ बैठे हैं इस सुंदर कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। इसलिए सबसे पहले तो आभार आपका है। मैं विशेष ये बताना चाहूंगी, कल हम सब भारतवासियों ने बहुत धूमधाम से महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया। कल रात्रि का नजारा बड़ा ही अद्भुत था, जहां चारों तरफ बाबा की बारात दिखाई पड़ रही थी। उस सुंदर दृश्य को देख करके मेरे अंदर एक संकल्प जगा। वो संकल्प ये जगा कि हम सभी हर वर्ष महाशिवरात्रि के दिन यादगार तो मना लेते हैं, किन कभी हमने ये विचार किया कि वास्तव में शिव के आगे रात्रि शब्द जुड़ा हुआ क्यों है? अक्सर लोग अपने जन्म को जन्म दिन के रूप में मनाते हैं, बर्थडे के रूप में मनाते हैं, शादी का सालगिरह होता है तो एनिवर्सरी डे मनाते हैं, वो एनिवर्सरी नहीं मनाते। लेकिन शिव बाबा जो जन्मा है, उसका एक तरफ विवाह और दूसरी तरफ वो विवाह का वर्षगांठ शिव दिवस नहीं है, वो क्या है? शिव रात्रि है। क्या ये रहस्यमय नहीं है? अब हमें ये जानना है कि रात्रि शब्द कोई 24 घंटे में होने वाले दिन और रात का सूचक नहीं है। शिव के साथ जुटा रात्रि शब्द कलयुग की घनघोर रात्रि में भगवान शिव के अवतरण का सूचक है। काल चक्र के अनुसार इस समय संसार में कलयुग की रात्रि छाई हुई है। सतयुग त्रेता को ब्रह्मा का दिन कहा गया और द्वापर और कलयुग को क्या कहा गया? ब्रह्मा की रात कहा गया। अब आप ही मुझे बताइए, क्या इस समय काल चक्र के अनुसार
दिन है या रात है, क्या है? काल चक्र के अनुसार रात है ना, सहमत है आप? ये वो रात्रि है जहां मानव अज्ञानता की नींद में सोया हुआ है। ये वो रात्रि है जहां अक्सर लोगों को रात में सोने के लिए तो स्लीपिंग पिल्स लेना पड़ता है, और विडंबना यह है कि वो 24 घंटा अज्ञानता की नींद में सोया हुआ है, ये उसको पता ही नहीं। अब वो समय इस काल चक्र का आ चुका है जब स्वयं जगत नियंता परमात्मा, जिसको हमने जन्मों से याद किया, वो परमात्मा जो इस सृष्टि का रचयिता है, उसको अपने बच्चों का दुख देखा नहीं गया। जैसे माँ बाप अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकते, ऐसे भगवान भी हमारा माता पिता है या नहीं है? हाँ, शरीर के माता पिता हर जन्म में बदली हुए, लेकिन आत्मा का रिश्ता परमात्मा से हमेशा हर जन्म में एक ही रहा। और हम जब भी मंदिर में गए, हमने यही कहा, तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, यही कहा ना। माना हमारा उससे सच्चा नाता यही है कि वो हमारा माता पिता है, हम उसके बच्चे हैं। आज भगवान के बच्चे दुखी हैं, अशांत हैं, प्राकृतिक आपदाओं की मार झेल रहे हैं। विज्ञान की दौड़ में इंसान मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाता है, और एक भूकंप का झटका उसकी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को ताश के पत्तों की तरह गिरा देता है। ये सृष्टि की हालत है, और इस प्रकृति की मार के आगे आज किसी का कोई वश नहीं चल रहा। तो भगवान, जिसने अपने बच्चों के लिए स्वर्णिम सृष्टि बनाई थी, जिसने अपने बच्चों के लिए स्वर्ग, हेवन और पैराडाइज बनाया था, जिसने मानव को देव समान बनाया था, आज भगवान की बनाई हुई सृष्टि ही तमो प्रधान हो गई। इसके जिम्मेवार हम स्वयं हैं, इसके जिम्मेवार हम अपने कर्म से हैं। इसलिए जब हम नेत्रहीन हो जाते हैं, ज्ञान चक्षु हमारे बंद हो जाते हैं, तो जो परमात्मा त्रिनेत्री है, उस परमात्मा को इस धराधाम पर आना पड़ता है। हमें अज्ञानता की नींद से जगाने के लिए, और भगवान हमारे थर्ड आई का ऑपरेशन करते हैं। आपने पूरे वर्ल्ड में कोई डॉक्टर का नाम नहीं सुना होगा जो आपकी तीसरी आंख का ऑपरेशन कर दे, है कोई डॉक्टर? लेकिन परमात्मा ही वो सुप्रीम डॉक्टर है, वो सुप्रीम सर्जन है, जो हम सब की थर्ड आई का ऑपरेशन करते हैं, और हम सबको ज्ञान का तीसरा नेत्र प्रदान करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा बाबा के मंदिर में शिवलिंग पर एक कलश टंगा होता है, जिससे बूंद बूंद जल बाबा के ऊपर गिरता है। शिव बाबा जो हम सर्व आत्माओं के पिता हैं, जब वो इस धराधाम पर आते हैं, तो ज्ञान के जल की बूंद बूंद हम पर टपकाना शुरू करते हैं, और जैसे ही ज्ञान के जल की बूंदें टपकती हैं, हमारा नेत्र जो बंद है वो फिर से खुलता है, और हम बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस होते हैं। हम ये रियलाइज करते हैं कि हम शरीर नहीं हैं, हम एक आत्मा है। ये ज्ञान की पहली बूंद है जो हमें एहसास कराती है कि हम देह नहीं हैं, हम इस देह में विराजमान कौन है, बोलिए कौन है? आत्मा है। आज इंसान को सबसे ज्यादा डर मृत्यु से लगता है, और लोग मृत्यु से बचने के लिए महामृत्युंजय का जाप करते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं मृत्यु तो एक न एक दिन आनी है। भल अकाली मृत्यु से आप बच जाइएगा, लेकिन जो आपका समय सीमा इस शरीर के लिए निर्धारित है, उस अनुसार तो आपको एक न एक दिन शरीर छोड़ना ही है। लेकिन एक
जो हमारे जीवन से मृत्यु का भय भी मिटा देता है वो ये मंत्र है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। मरता शरीर है, मैं आत्मा अजर हूं, अमर हूं, अविनाशी हूं। इसलिए किसी ने कहा, जाता नहीं है कोई दुनिया से दूर चल के, मिलते सभी यहाँ पर कपड़े बदल बदल के, मिलते सभी यहाँ पर कपड़े बदल बदल के। कबीर दास की पंक्ति है, कबीरा जब तू पैदा हुआ, कबीरा जब तू पैदा हुआ, जब हंसा और हम रुके, ऐसी करनी कर चलो जो हम हंसे और जग रोए। कहने का तात्पर्य है, परमात्मा हमें ऐसा मंत्र देते हैं जो हमारे देह भान को मिटाता है, और वो मंत्र है मैं आत्मा हूँ। और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की यही पढ़ाई है जो हम कहते हैं आत्मा आत्मा, भाई भाई, और शिव बाबा की यही पढ़ाई। आज दुनिया में तमाम झगड़े इसी कारण से हैं, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये क्रिश्चियन है, ये पंथ को मानने वाला है, ये पंथ को मानने वाला है। जिस दिन हमें ये पाठ पक्का हो जाएगा, कौन सा पाठ, हम आत्माएं भाई भाई हैं, एक पिता परमात्मा की संतान है, वन गॉड वन फैमिली, जिस दिन ये पाठ पक्का हो जाएगा, ये भारत विश्व गुरु बन जाएगा, ये भगवान ने घोषणा कर दी है। और मैं अंत में ये आपको बताना चाहती हूं, ये वो समय चल रहा है जब कलयुगी दुनिया का दृश्य अपने क्लाइमेक्स पर है, और इतिहास कहता है अति के बाद अंत होता है। इस संसार में हर कुछ अति में है, पाप अति में है, भ्रष्टाचार अति में है, नेगेटिविटी अति में है। हम महाभारत काल का वर्णन सुनते हैं, पांडव 5 थे, कौरव 100 थे, लेकिन विजय किसकी हुई, बोलिए, पांडवों की हुई। आज भी एक महाभारत प्रैक्टिकल है, क्योंकि महाभारत में लिखा है कि जब हर घर में महाभारत एपिसोड शुरू हो जाए तो समझना कि महाभारत काल आ चुका है। मेरे भाई बहनों, क्या मैक्सिमम घरों में ये महाभारत एपिसोड चल रहा है या नहीं चल रहा है, बोलिए हाँ या ना, चल रहा है ना। महाभारत युद्ध हुआ तो वजह क्या था, भूमि का विवाद। और आज चले जाइए कोर्ट में तो सबसे ज्यादा यही देखने को मिलेगा कि जमीन को लेकर के केसेस फाइल्ड हैं, और सबसे ज्यादा अगर जमीन का झगड़ा है तो भाई भाई के ही बीच है, किसी तीसरे के साथ जल्दी नहीं है। ऐसे कलयुग क्लाइमेक्स पर है तो चीजें तो बहुत विपरीत हमें दिख रही हैं, लेकिन मुझे कहना यही है कि हर दिए तले अंधेरा होता है, हर अंधेरे के बाद सवेरा होता है। आज कलयुग की रात्रि है तो ये रात्रि कायम नहीं रहेगी, ये कलयुग रात समाप्त होगी और फिर इस संसार में सतयुग का दिन आएगा। ये स्वयं परम पिता परमात्मा भोलेनाथ शिव बाबा ने घोषणा कर दी है, और परमात्मा कहते हैं कि जो सतयुगी दुनिया आने वाली है, जो नवयुग आने वाला है, उस नव युग के आने से पहले ये पुरानी दुनिया हमसे विदाई लेगी, और जब ये पुरानी दुनिया हमसे विदाई लेगी तो हम देख रहे हैं कि आज जो देश अपने आप को सुपर पावर कहलाते हैं, उनके पास जो पावर है वो हार्ड पावर है, वो अणु बम और परमाणु बम की पावर है। और हमें पता है कि तृतीय विश्व युद्ध जो होगा, विश्व की ये सुपर पावर्स अपने अणु बम और परमाणु बम के द्वारा ही अपना विनाश कर लेंगी, इसके लिए किसी को इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम भारतवासियों के लिए खुशखबरी है, यही भारत जिसके लिए आपने सुना कि सोने की चिड़िया था, फिर ये भारत क्या बनेगा, सोने की चिड़िया बनेगा, जहां अलग अलग देश अलग अलग
अभिमान दिखाते हैं, वहां ये भारतवासी जिनको दिल से ये पाठ पक्का है, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, सारे बम दुनिया का विनाश करेंगे लेकिन ये बम इस भारत में सतयुग लाएगा और हम सभी को इसी का सहारा है, इसलिए ये भारत विश्व गुरु बनेगा। मैंने ये बम क्यों कहा? अक्षर बताता है परमात्मा हमारा बाप भी है, वो हमारी माता भी है। उसका जिसने साथ पकड़ लिया तो दुनिया की कोई ताकत उसे परास्त नहीं कर सकती। चोला हम जरूर बदलेंगे लेकिन हमें सतयुग में आने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए आइए इस कालिमा में हम सब परमात्मा से अपना कनेक्शन जोड़ें। परमात्मा जो ज्ञान की बूंदें हम पर टपका रहा है, हम उस ज्ञान गंगा में स्नान करें, अपने मन का शुद्धिकरण करें। जिस दिन मन शुद्ध हो जाएगा उस दिन ये संसार ऑटोमेटिकली शुद्ध बन जाएगा, श्रेष्ठ बन जाएगा, क्योंकि सारी चीजें मन से कनेक्टेड है। आज हम देख रहे हैं, मेडिकल साइंस भी कहता है कि 80% से भी अधिक बीमारियों का कारण मानसिक तनाव है। पहले मन बीमार हुआ फिर तन में बहुत सारी बीमारियां दिखने लगी। पहले मन पोल्यूटेड हुआ तो बाहरी प्रदूषण बढ़ने लगा। पहले हमारा अपने ऊपर नियंत्रण खत्म हुआ तो बाह्य चीजों पर हमारा नियंत्रण खत्म हो गया। तो सारी चीजों की उपज मन से है, इसलिए कहा मन जीते जगत जीत। और ब्रह्मा कुमारी इसके द्वारा जो मेडिटेशन सिखाया जाता है वो हमें मन का राजा बनाता है, वो हमें इंद्रियों का स्वामी बनाता है। तो आइए आप सभी अवश्य भगवान के द्वारा बह रही ज्ञान धारा में स्नान करने हेतु हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो कल से आपके लिए राजयोग शिविर की व्यवस्था की गई है, आप अवश्य उसको अटेंड करें, मेडिटेशन सीखें। समय बहुत कम है और आपको अपने जीवन में बहुत गहराई तक शुद्धिकरण करने की ज़रूरत है। इसलिए कहा गया है सब तलक है जिंदगी, फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम करो भगवान से। जिंदगी जब तक है आपको फुर्सत मिलने वाली नहीं है, लेकिन जहाँ चाह है वहाँ राह है। अगर आप दृढ़ संकल्पित हो जाएं तो आप अवश्य समय निकाल पाएंगे और प्रभु मिलन के जन्मों की आकांक्षा को आप पूर्ण करके परमात्मा से सुख शांति का वर्षा एक जन्म के लिए नहीं जन्मों के लिए आप प्राप्त कर सकेंगे। ये भगवान हमें लॉटरी दे रहा है। तो पुनः आप सभी का बहुत 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 इस महाशिवरात्रि महोत्सव में और भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए अपनी सहभागिता दिखाने में बहुत बहुत धन्यवाद। मंचासीन अतिथियों का भी बहुत 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 धन्यवाद। ओम शांति।